नमस्कार, तंजीन किचन में आपका स्वागत है। आम का सीजन चल रहा है और इस समय कच्चा आम बहुत अच्छा आ रहा है, तो क्यों ना इससे कुछ कच्चे आम से हम बनाएं। तो आज हम बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी लौंजी, जो पराठों के साथ, पूरियों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। आप इसे अच्छे से 10-15 दिनों तक रख के खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्रियां चाहिए होंगी। बहुत ही कम सामग्री में ये बन जाता है, तो इसे बनाने के लिए हमें ये 4 कच्चे आम ले लिए हैं। वेट में देखेंगे तो 1/2 किलो ये आम है, तो इसे हम छील लेते हैं। ये हमने इसके लिए ये लंबा, ये जो तोता परी आम होता है ना, ये लिया है। आप किसी भी आम का बना सकते हैं, ये वाला आम थोड़ा कम खट्टा होता है, इसलिए हमने इसे लिया है। तो इसको हमने छील लिया है और इसकी ये गुठली हम बीच से निकाल के इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो ये देखिए, अभी आम बिल्कुल भी जाली नहीं पड़ी है, तो एकदम अच्छा से ये कट जा रहा है। अगर जाली पड़ गई है आम में, तो आप इसे जो सरौता होता है ना, उससे काट सकते हैं। तो ये देखिए, चाकू से आसानी से ये कट गया है, तो हम इसे सारे इस तरह से काट लेते हैं। तो चलिए फटाफट से लौंजी बना लेते हैं। तो हम कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल में डालेंगे हम 1 टीस्पून हमने जीरा इसमें डाल दिया है, 1 टीस्पून हम इसमें राई डाल देते हैं, 1/2 चम्मच हम इसमें मेथी दाना डालेंगे, तो मेथी दाना थोड़ा सा कम डालेंगे, 1/2 ही चम्मच हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अब हम क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे हम सौंफ। सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत ज्यादा अच्छा आता है, तो हम 2 चम्मच इसमें सौंफ डालेंगे और 1/4 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया हींग। तो ये सारे मसालों को हम अच्छे से भून जाने देते हैं। बहुत ही अच्छी मसालों की खुशबू आ रही है। तो ये देखिए मसाला भून गया है, तो अब डाल देते हैं इसमें हम ये कच्चा आम। तो ये देखिए, आम को अच्छे से हम मसालों के साथ मिक्स कर देंगे, सारा मसाला अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, तो थोड़ा सा हमें हल्का सा ऐसे इसी तरह से धीमी धीमी आंच पे पकाना है पहले सब कुछ अच्छे से। ये देखिए मसाला सारा आम के ऊपर लग गया है। तो क्या होता है, ये सारा जब मसाले के साथ हम आम को भूनते हैं ना, तो सारा टेस्ट उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच काला नमक। तो काला नमक हमने इसमें डाल दिया, 1 ही चम्मच हम इसमें रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं। थोड़ा सा आप अपने हिसाब से मिर्च डाल सकते हैं, अगर तीखा चाहिए तो तेज डाल दें। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें गैस हमने एकदम धीमी कर दी है और धीमी आंच पे हम इसमें इसे थोड़ा सा हमें इसे पकाना है। तो हमने इसमें डाल दिया 1 कप पानी। पानी में इसे हमें पहले पका लेना है, फिर हम इसमें चीनी या गुड़ जो भी आप डालना चाहें डालेंगे। तो इसे अब हम धीमी धीमी आंच पे इस तरह से हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और 5 मिनट में, बस ये बहुत जल्दी पक जाती है, 5 मिनट में ये अंबिया जो है सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए आम हो गया सॉफ्ट। हमने इसमें लिया है 1 कप गुड़। गुड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो आप अगर कम मीठा चाहते हैं, थोड़ा खट्टा साइड चाहते हैं, तो थोड़ा गुड़ कम डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा मीठे की तरफ ज्यादा पसंद है ये, तो मैं इसमें 1 कप गुड़ डाल रही हूँ। तो गुड़ डाल के हमें इसे ऐसे ही खुले में पकाना है। तो ये देखिए गुड़ साला सारा जो है ना, वो गल गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छी ये हमारी लौंजी बनके तैयार हो गई है। गैस बंद कर देते हैं और इसे हम होने देते हैं ठंडा। ठंडा होने के बाद आप इसे किसी भी डब्बे में भर के रख लें और इसे आराम से आप 10-15 दिनों तक फ्रिज में, 1 वीक तक तो ये बाहर भी कुछ नहीं होता है इसमें, और अगर 1 वीक से ज्यादा चल गया तो फ्रिज में रख के खाएं। बहुत ही स्वादिष्ट ये कच्चे आम की खट्टी मीठी लौंजी बनके तैयार हो गई है। आप इसे जरूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।